Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I'm Sakshi, your computer teacher. So last classes में हम कर रहे थे आपके book का chapter 4, जिसका name है keyboard special keys. इसमें हमने पढ़ा कि alphabet keys क्या होती हैं, number keys क्या होती हैं, special keys क्या होती हैं, enter key, backspace key, delete key, है ना? Combination key. So, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. सो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि अब इसका क्या होगा, आपका टेस्ट होगा. टेस्ट की डेट और टाइमिंग आपको मैसेज कर दी जाएगी चिल्ड्रन. सो आज हम करेंगे इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो हम इसका बुक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं. सो आपको भी बुक वर्क साथ के साथ लर्न करना है और राइट डाउन करना है. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंट्रोल की क्या होती है, ऑल्ट की क्या होती है. सो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था. सो अब हम क्या करेंगे, इस लेसन के फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. ओके, सो फर्स्टली आज की डेट मेंशन करते हैं. ओके सो चिल्ड्रन, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लैंक्स जो हैं आपको फिल करने हैं, और यहाँ पे साइड में आपको हिंट्स दिए हुए हैं. इन हिंट्स की हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चिल्ड्रन, अ डैश इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन. सो ऐसा क्या होता है जो एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है जो स्क्रीन पर होती है. सो वो क्या होती है, एंटर नाउ बैक स्पेस नाउ कर्सर. उस लाइन को हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, उस लाइन को हम बोलते हैं कर्सर. लाइक आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है चिल्ड्रन, तो जो स्मॉल ब्लिंकिंग एक लाइन होती है डॉक्यूमेंट में, उसको हम बोलते हैं कर्सर. ओके, सेकंड है द स्पेस बार की इज द डैश की ऑन द कीबोर्ड. जो स्पेस बार की होती है वो कीबोर्ड पे कौन सी की होती है चिल्ड्रन, लॉन्गेस्ट की. ओके, जो स्पेस बार की होती है वो सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड पे. सो यहाँ पे क्या आएगा, लॉन्गेस्ट. नेक्स्ट है द डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट. देखिए कौन सी की से जो कर्सर होता है वो राइट की तरफ मूव होता है चिल्ड्रन, वो होता है राइट एरो की से. ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे राइट एरो. द राइट एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द राइट. ओके, नेक्स्ट है द डैश की इज इज लेटर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. ऐसी कौन सी की है जो कर्सर के लेफ्ट साइड से लेटर्स को इरेज करती है, वो है हमारी बैक स्पेस की. हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैक स्पेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश की ब्रिंग्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन. सो ऐसी कौन सी की है चिल्ड्रन जो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में, मतलब नीचे नेक्स्ट लाइन में ले आती है, वो की है चिल्ड्रन एंटर की. ओके, इससे क्या होता है, कर्सर एक लाइन नीचे आ जाता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट अ की दैट इज यूज अलोंग विद अनदर की इज नॉन एज द डैश की. एक ऐसी की जो किसी और सी, जो किसी अनदर की के साथ यूज होती है चिल्ड्रन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन की. सो हम यहाँ क्या राइट डाउन करेंगे, कॉम्बिनेशन. ओके, सो फिर इन ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए. अब हम करेंगे मैच. मैच द फ्लोइंग पिक्चर्स विद द गिवन वर्ड. हमें यहाँ पिक्चर दी हुई है कीज की, हमें बतानी है कि वो कौन सी की है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये देखिए, ये रिक्टेंगुलर शेप में है और लॉन्ग है. सो ये क्या है, ये है स्पेस बार, स्पेस बार की. ओके, सो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे. और ये देखिए यहाँ पे तो की के ऊपर लिखा हुआ है ना, बैक स्पेस ही क्या है, बैक स्पेस की है. तो हम इसको मैच कर देंगे. इन कीज पे देखिए क्या बने हुए हैं, एरोज बने हुए हैं. सो दिस इज एरो कीज. ओके,
और ये क्या है कैप्स लॉक, सो दिस इज कैप्स लॉक की डिलीट, डिलीट लिखा हुआ ना इस पे, सो दिस इज डिलीट की एंड दिस पे एंटर मेंशन किया हुआ है, सो दिस इज एंटर की। ओके चिल्ड्रन, सो आज इतना ही करेंगे हम, आपको फिल इन द ब्लैंक्स और मैच को कंप्लीट करना है। ओके सो बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।